इसको अच्छा लग रहा है बलून देख के, है ना? तुम्हारा बर्थडे है ना, ये देखिए। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है बर्थडे ब्लॉग, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने नानी घर अपने मामा के बेटे का बर्थडे में। तो चलिए आपके साथ चलते हैं और अपना नानी घर भी आपको दिखाते हैं, और जो बर्थडे में मस्ती होगी और इन्जॉय होगा आपको दिखाएंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं हम, आप वीडियो में बने रहें। सो गाइस, प्लान में कुछ चेंजिंग हो गया है, हम सीधा आ गए निखिल के घर और निखिल को भी ले जा रहे हैं, ये देख सकते हो। और इधर देखिए मम्मी, और इधर देखिए चाची वहाँ पे। सो हम लोग अभी निखिल के साथ जाएंगे, और हम निखिल और मम्मी जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। आपको जो अभी मंदिर दिखा है, वो हमेशा जब भी हम आते थे बस से, मतलब बैठ के, तो वो मंदिर हमेशा देखते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था, पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। सो आपको दिखा दिए, और अभी हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं धीरे धीरे करते, तो पहुंचने वाले हैं बस। अभी आधा दूर आ चुके हैं, अभी आधा दूर और जाना है। सो देखते कितने देर में पहुँचते हैं, उसके बाद पहुँच के आपको अपना नानी घर भी दिखाएंगे। सो चलिए वीडियो बने रहेगा। इस देख सकते हो आप, ये पहाड़ कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से, चारों तरफ पहाड़ है। तो हमारे गिरिडीह में पहाड़ बहुत ज़्यादा है। सो ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, तो हम लोग सामने एकदम पहाड़ है, ऐसे ही एकदम चारों तरफ पहाड़ ही दिख रहा है। तो इधर से आते हैं तो ये पहाड़ जरूर दिखते हैं, एक साथ ही करीब 6-7 पहाड़ चोटी दिखते हैं, ऐसे ही देख सकते हो आप। गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है, जब भी हम लोग आते हैं यहाँ पे रुकते हैं, देख सकते हो मंदिर देखिए। सो यहाँ पे बजरंगबली का एक मंदिर है। सो हम लोग जब भी आते हैं ना, तो पापा यहाँ पे रुकते हैं, तो हम भी आज रुक गए मम्मी के साथ। और जब भी इस रास्ते से जो गुजरते हैं, इस रास्ते से, तो हमेशा यहाँ पर रुक के पहले गोल लगते हैं, आशीर्वाद लेते, उसके बाद जाते हैं बजरंगबली का मंदिर। तो चलिए आपको दिखाते हैं, हम लोग जाते, चलो निकल। गाइस, हमने गोल लग लिया, और मम्मी भी देख सकते आ गई, और निखिल देख के आ रहा है। चलिए अब यहाँ से, चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, चलो निखिल। सो हे गाइस, हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं आगे। सो आप देख सकते हो हमारे गिरिडीह का नेचर कितना अच्छा है, और ख़ास करके इस रोड पे एकदम किनारे किनारे देख सकते हो पेड़ पौधे, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से नेचर हम लोग का रहना चाहिए, देखिए बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ से गुजरने में। और ये अभी हम आ गए शायद जंगल में, तो अभी हम लोग का अभी 20 किलोमीटर और बचा है, गोविंदपुर जाना है, फिर वहाँ से हम अपने नानी घर जाएंगे।
पहुंच चुके हैं और ये चौराहा में हमेशा भीड़ ही रहता है, तो अभी भी भीड़ है, देख सकते हो आप। सो हे गाइस, अभी हम लोग यहाँ गोविंदपुर में रुके हैं, बच्चे लोग के लिए चॉकलेट लेने के लिए, देख सकते हो वहाँ पर मम्मी गई है उधर। अभी बस 7 किलोमीटर और है, तो वहाँ से ये देख सकते हो जी टी रोड से जाएंगे, इस तरह का जी टी रोड है, और फिर वहाँ जाके पहुँच आपको मिलते हैं, ठीक है, पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। गाइस देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने नानी घर में, ये देखिए मेरा नानी घर। देखिए देखिए वो लोग क्या है। हेलो गाइस, चलिए देखते हैं और क्या क्या होता है। तो ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, वीडियो में एंड तक जरूर बने। ये गाइस देख सकते हो, ये मेरा मामा का बेटा बोला का। तो तुम्हारा नाम क्या है? समर्थ है। कौन क्लास में तुम पढ़ते हैं बता दो? LKG में। तुम्हारा नाम तो बता दिया। और ये बहुत शरारती है, जैसे ही आया मुझे पूरा खोजने लगा। आदित्य भैया और इधर देखे कृति और सब लोग हम लोग। सो हम आए, तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बर्थडे में मतलब तुम बर्थडे देखने के लिए तैयार है ना? बर्थडे में पूरा मस्त मजा करेगा ना? अभी से देखिए ये बलून खुला रहा था। और क्या बोला था तुम? मेरा वीडियो क्या करता है तुम? सारा देखता है? हाँ, मेरा पहले वाला जितना भी वीडियो, ये बोल रहा था कि यादिन भी हम आपका वीडियो देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगता है वीडियो? हाँ, वीडियो कैसा लगता है? ट्रेन में जा रहे हैं वो बोल रहा है शादी वाला व्लॉग जो इसके साथ बनाए थे, ट्रेन में जा रहे थे वो वाला देखा था। नहीं, जो आप कहाँ गए थे? अरे देखिए छोटा बेटा बच्चा, ये देखिए। सो ये देखिए गाइज, ये समर्थ का बड़ा भाई शुभम। तो तुम अपना नाम बता दो एक बार। हाँ, तुम कौन क्लास में पढ़ता है? हाँ, इधर देखिए मेरा मौसी का बेटा सिरजय, ये भी पूरा कुरफाती है, मस्ती करते रहते हैं। और ये सब भी, ये दोनों देख सकते हो हम जिसका बर्थडे में आए। बाबू यहाँ है, इसका नाम तेजस है। देखो बाबू, इसका निकनेम लड्डू है, देखिए तेजस। देखो बाबू, तो देख सकते हो इसी का बर्थडे है, कितना क्यूट है बाबू, मेरे मामा का बेटा है, इसी का आज बर्थडे है, तो आपको बर्थडे भी दिखाएंगे। देखो तेजस, देखो इधर देखो। सो चलिए अब सीधा आपसे मिलते हैं बर्थडे में, है कि ना तेजस? ये सोया हुआ था, अभी इसे कृति उठा दी, सो आपको दिखा रहे। तो ये सोया हुआ था, अभी देखिए सो के उठा, लेकिन रो नहीं रहा है अभी, हमको पहचाना कि नहीं, हम इसे बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, है ना बाबू? बाबू देखो, बहुत क्यूट है। देखो, देखता है कितना अच्छा कैमरा में, देखिए आप ही लोग को देख रहे हैं। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पे बर्थडे होगा, ये देख सकते हो यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है, देखिए। और ये देखिए बलून देख के ये क्या कर रहे हैं, देखो गिराना नहीं, आराम से खेल रहा है, इसको अच्छा लग रहा है बलून देख के, है ना? तुम्हारा बर्थडे है ना? ये देखिए बलून को लेने खोज रहा है, रहने दो डेकोरेशन। ये देखिए, आराम से क्यूट है, बहुत ही क्यूट, देखिए खेल रहे हैं। देख सकते हो अभी हम लोग छत पे आ गए हैं सभी लोग, ये देखिए निखिल। यस सर, अभी वीडियो बनने वाला है, देखिए यहाँ पर आदित्य भैया खिचड़िया यहाँ पर भाग दिया है। कुछ भी ये बच्चे लोग पूरा चिल्ला रहे क्योंकि बहुत अच्छा हवा चल रहा है, देख सकते हो मेरा बाल उड़ रहा है, बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है यहाँ पे। देखिए बोल रहा है, ये उड़ रहा है, पूरा मस्त हवा चल रहा है यहाँ पे, पूरा मस्त एकदम मस्त हवा चल रहा है। ये लग डांस, सभी बच्चे यहाँ मस्ती कर रहे हैं।